वंदे मातरम। फिफ्थ स्टैंडर्ड आज हम हिंदी में देखेंगे सेकेंड हमारा चैप्टर जिनका नाम है लेसन टू गिनती। गिनती तो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ऑफकोर्स आनी चाहिए मैम, नहीं तो हमको पूछना पड़ेगा कि ये कितना आता है। लाइक कभी कभी मुझे भी नहीं आता है तो मैं देख लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ गिनती हमें इंग्लिश में आती है क्योंकि हमारा थरो इंग्लिश हो गया है पढ़ के, तो हमें हिंदी की सूझबूझ नहीं होती। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखना पड़ेगा कि कितना हमें आता है और कितना हमको आ सकता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे 1 to 50 तक की संख्याएं को शब्दों में लिखिए। जो संख्याएं आपको दी है उनको आपको लिखना है। तो पहले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखते हुए कैसे लिखी है, कैसे काना मात्रा लिखे आराम से बिल्कुल, क्योंकि डॉगी तो हमारे पीछे पड़ा नहीं है, हमें कहीं स्कूल में भी नहीं जाना है, यही है हमारा स्कूल घर बैठे। यही तो मज़ा है रचना मैम के साथ पढ़ते हुए, क्योंकि गिनती है और हमको हंसते हंसते लिखना है, पढ़ना है और मज़े से पढ़ना है, कोई बोर हो के नहीं पढ़ना है। तो हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे देखेंगे भी कि कैसे लिखा है, ताकि हमारी कोई गलती ना हो और एक्स्ट्रा कोई काना मात्रा हम देंगे नहीं, और अगर है उसमें तो भूलेंगे नहीं। बराबर है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बोल सकते हैं, लेकिन 13 ऐसे बोलेंगे तो हमको पता चलेगा कि 13 लिखा है, तो जैसे बोलेंगे वैसे हम लिखेंगे। तो 15, 16, 17, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो बहुत ही अच्छे से हमें यहाँ दिया गया है बच्चों, हम बार बार लगातार करेंगे। हमको ऐसे ब्लॉग्स देंगे उसमें पूछेंगे कि ये 41 दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो ई हुआ 41। 45 दिया है तो बच्चों ए 45। 47 दिया है तो बच्चों होगा 39। 26 होगा तो बच्चों 26। 48 होगा तो बच्चों सी 48। 10 होगा तो बच्चों क्या आएगा ई 10। 10 होगा तो बच्चों 10। 36 होगा तो बच्चों डी, डी है 36, 6 और 30। तो देखिए ये यहाँ पे दिया गया है 36, ठीक है। अब है 2 और ये 7 है तो होगा डी बी 29।
जो थर्ड है वो बी है, फिर जो 25 है, 2 और 5 है उसको हम बोलेंगे सी 25, फिर 3 और 7 है उनको हम बोलेंगे ए 39। तो इसके साथ ही हमारा ये पेज ख़त्म होता है। आपको बार बार लगातार प्रैक्टिस करनी है, इसको 5 बार पढ़िए बच्चों, नहीं तो आपको दिमाग में नहीं जाएगा। नेक्स्ट पेज हम देखेंगे, नेक्स्ट पेज हम देखेंगे निम्नलिखित संख्याओं को अंक में लिखिए। तो जैसे 9 दिया है बच्चों, तो आपको क्या लिखना है, ये वाला अक्षर 9। अभी आपको पहले वर्ड्स में दिए, अभी आपको डिजिट्स में लिखने हैं। फिर 11, 18, 18, 24, 24, 26, 28, 37, 17, 30, 30, 33, 33, 36, 36, 29, 27, 29, 46 इज 44, 46, 47 इज 47, 49 इज 49, और 23 इज 23, और 31 इज 41, 31 इज 31, 48 इज 48, 21 इज 21, 39 इज 39, 42 इज 42, 45 इज 49 45, 50 इज 50, एंड 16 इज 16। अभी यू हैव टू जॉइन दीज, ओके, क्योंकि इसमें दिया गया है बच्चों। तो आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ऑलमोस्ट यहाँ से दिया गया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, है ना, ये आपको लिखना है जो पहले आप लिख सके। तो ऐसे करके ज्वाइन करके आपको ये टॉर्टोइल्स करना है और ये फिशेस भी करनी है, जो बहुत ज़्यादा इजी है बच्चों। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पेज जो है, कौन सा पेज नंबर है, 14 पेज नंबर है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 21 के 35 तक पीपीटी। तो प्यारे बच्चों देखते हैं पेज नंबर 14। 21 से 35 तक की गिनती क्रम में बोलते हुए उन्हें जोड़कर चित्र में बताइए बच्चों। तो देखिए यहाँ पे आपको जोड़ना है, जैसे 31 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 21 से, तो आपको अगर पूरा ये ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा प्यारा सा गाजर। तो ये गाजर हमारा रेडी है। गिनती क्रम में बोलिए और खाली जगह में संख्या लिखिए। तो आपको यहाँ पे संज्ञा लिखनी है, जैसे
एक दिया है तो यहाँ पे होगा दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ठीक है, तो ये हमारी गिनती हो गई। फिर ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस। जो मिसिंग है उस पर मैं ज़ोर लगा के पढ़ रही हूँ, तो आपको वो लिखना है कौनस में, क्योंकि आपको वो आंसर्स नहीं दिए हैं। तो उनतीस आपको ये आंसर लिखना है, तीस, इकतीस, बत्तीस, तैंतीस, चौंतीस, पैंतीस, छत्तीस, सैंतीस, अड़तीस, उनतालीस, चालीस, इकतालीस, बयालीस, तियालीस, चवालीस, पैंतालीस, छियालीस, सैंतालीस, अड़तालीस, उनचास, पचास। तो ये यहाँ तक हमारा फिनिश हो गया बच्चों। अब हम आगे की संख्या देखेंगे कि संख्या क्या दी है। छठा है हमारा क्वेश्चन, जिसमें आप लिखेंगे आगे की संख्याएं लिखिए। तो आम लिखेंगे तेरह, फिर थर्टी फोर, फिर थर्टी वन। थर्टी वन को क्या बोलेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। इकतीस, फिर ये है हमारा नौ, नौ और दस तो यहाँ पे होगा सत्रह, ये नौ, सात, फिर क्या होगा टू वन। टू वन को क्या कहेंगे हम, टू वन कहाँ है, ट्वेंटी वन, ये हम लिखेंगे किसमें, हिंदी में टू और वन, ट्वेंटी वन। तो हम लिखेंगे बीस, इक्कीस, इक्कीस हुए, फिर बाद में फोर्टी वन। तो फोर्टी वन को किसको याद है, क्या बोला था फोर्टी वन को हमने, किसको याद है फोर्टी वन को हमने बोला था, इकतालीस। तो वो आपको लिखना है। इसके आगे ग्यारह, सोलह, फोर्टी फोर के पहले फोर्टी थ्री, छियालीस, तो लिखेंगे तैतालीस, तैतालीस लिखेंगे। तो इसके साथ हमारा ये सेक्शन ख़त्म होता है। मिलते हैं लास्ट सेक्शन में, फिर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो इस अभी हम मिलेंगे पेज नंबर 15 के लिए फिर से। तो ये पार्ट देख लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना पांच बार। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।